الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، باب من تبرك بشجرة أو حجر أو ونحوهما. उस शख्स का बारे में बयान, उस शख्स का बयान जो बरकत हासिल करे, तबर्रा का बरकत हासिल करे, बेशजरतिन किसी दरख्त से, यानी किसी दरख्त को बाबरकत माने या मुतबर्रिक माने, या किसी दरख्त को नफा व नुकसान का मालिक माने, या किसी दरख्त की किसी बुजुर्ग के साथ, किसी नबी के साथ, किसी वली के साथ, किसी शख्सियत के साथ कोई तारीखी पस मंजर की वजह से, या ये फलां बुजुर्ग ने अपने हाथ से दरख्त लगाया था, या फलां बुजुर्ग इसके साए में बैठा करते थे, या फलां बुजुर्ग इसके नीचे मजलिस लगाया करते थे, तो इस तरह किसी भी दरख्त, और आपको पता है कि मुख्तलिफ दरख्तों के साथ से तबरुक लिया जाता है। बाब मन तबर्रा का भी शजरतीन, उस शख्स का बयान के जो तबरुक हासिल करे, यानी बरकत की ताकीदा रखे और मुतबर्रिक समझे, बरकत हासिल करे बेशजरतिन किसी दरख्त से, औ हजरिन या पत्थर से, व नहवेहिमा या इन दोनों जैसी किसी भी चीज से, तो उस बंदे का क्या बयान है। वकौलिल्लाहि तआला, और अल्लाह तआला का फरमान है, अफराईतुमुल लात वल उज्जा, क्या ख्याल है तुम्हारा लात और उज्जा के बारे में। मतलब लात भी एक बुत था और उज्जा भी एक बुत था। लात भी एक बंदे का नाम है और उज्जा भी एक बंदे का नाम है। लात वो था जो यलुतुलहुम सबीका, वो उनके लिए सत्तू घोलकर हाजियों को पिलाता था। सही बुखारी में इसकी तफसीर इमाम मुजाहिद सही अब्दुल्लाह इब्ने बास से मौजूद है। अच्छा, उज्जा जो है ये मुशरिकीन अरब का सबसे बड़ा बुत, सबसे बड़ा बुत जो है वो उज्जा था। ऐसे ही है ना, सबसे बड़ा बुत उज्जा था। इसको तोड़ने के लिए गोया के खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला को भेजा था। तो बहरहाल, यानी इस आयत करीमा को पेश करके शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो लोग लात जो है वो एक नेक गुजरा हुआ बुजुर्ग था, और इसी तरह जो उज्जा है वो भी मतलब पहले गुजरे हुए लोगों के साथ ही उसकी निस्बत है। तो जब उस लात से, यानी लात का जो पत्थर बनाया हुआ है, मूर्ति बनाई हुई है, वो एक नेक बुजुर्ग की निस्बत से है, तो उससे तबरुक लेने को अल्लाह ताला ने शिर्क करार दिया है। तो अफराई तुम लात वल उज्जा व मनात थालिसत अल उखरा, तो ये अल्लाह ताला ने इस पर मजम्मत की है, और अल्लाह ताला ने ऐसा करने वालों को काफिर कहा है, और ऐसा करने वालों को अल्लाह ताला ने मुशरिक कहा है। तो फिर जो शख्स आज की तारीख में किसी बुजुर्ग, किसी वली, किसी नबी, किसी भी इंसान जो कितना ही नेक हो, उसकी निस्बत से किसी भी दरख्त को मुतबर्रिक समझता है, या किसी भी जगह को मुतबर्रिक समझता है, तो ये मुशरिकीन मक्का की तरह ही है। और इसकी एक हदीस दलील भी है, अन अबी वाकिद अल-लैसी, अबू वाकिद अल-लैसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين, हम निकले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुनैन की तरफ, यानी मक्का फतह हो गया तो हुनैन की तरफ निकले, ونحن حدثاء عهد بكفر, इस हाल में कि हम कुफर के जमाने के साथ नए नए थे, نحن हम حدثاء नए थे, आहदिन नए जमाने वाले थे, बेकुफरिन कुफर के साथ, यानी हम नए नए कुफर से निकले थे, नए नए मुसलमान हुए थे, खुदा था वो आहदिन, हदीस की जमा है खुदा था, खुदा था हदीस की जमा है, हदीस का मतलब नया, नहनु खुदा था हम नए थे, आहदिन जमाने वाले, नहनु खुदा था आहदिन हम नए जमाने वाले थे, बेकुफरिन कुफर के साथ, यानी कुफर के साथ हमारा जमाना वक्त अभी नया नया था। यानी जाहिर है मक्का फतह होने के चंद ही दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की तरफ निकल पड़े, तो ये कहा जा सकता है कि अभी इनको मुसलमान हुए भी जुमा जुमा 8 दिन हुए थे, महीने भी नहीं अभी हुए, महीना भी पूरा नहीं हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करने के फौरन बाद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की तरफ निकल आए थे ना, तो इसका मतलब है कि इनको तो अभी महीना भी नहीं हुआ था, बल्कि चंद हफ्ते भी नहीं, तो लिहाजा वो कहते हैं कि हम कुफर के जमाने के साथ नए नए थे।
अच्छा, वलिल मुश्रिकीन, और मुशरिकों के लिए सिदरातुन एक बेरी का दरख्त था। वलिल मुश्रिकीन सिदरातुन, और मुशरिकों के लिए एक बेरी का दरख्त था। याकुफून इंदहा, वो उसके पास बैठते थे। याकुफून बैठते, इसी से एतकाफ भी निकला है ना, आपका खा या उसी से ही एतकाफ निकला है। बावे तेरा यनूतूना, इसका माना है लटकाना। लटकाते थे बिहा, यानी उस बेरी के दरख्त के साथ। असलहाता हूँ, आगे आ रहे, अपने असलहा को, अपनी तलवारों को, कमान को, तीर को, यानी उसकी तरकश को, तो वहां पर लटका दिया और उसमें आराम करने लग गए और बैठ गए, और साथ उसको मुतबर्रिक भी समझते थे। तो भाई ये जो दरख्त है ना, अगर लड़ने के लिए जा रहे हैं या कोई हमला वगैरह करना है तो यहाँ पर आके रुकेंगे, यहाँ पर अपनी तलवारों को लटकाएंगे और हमें इससे बरकत हासिल होगी और फिर फतह याब होंगे। ठीक है, अच्छा। वरिल मुश्रिकीन सिदरातुन याकुफून आइंदहा, और मुश्रिकीन के लिए एक बेरी का दरख्त था। याकुफून आइंदहा, वो उसके पास बैठा करते थे। व यनूतून नबिहा, और वो उसके साथ लटकाया करते थे। अस्लहतहुम, अपने असलहा को। व युकालु लहा ज़ातु अनवातिन, और उसको ज़ाते अनवात कहते थे। ज़ात मैंने वाला, अनवात मैंने, यानी नाउत से निकला है, अनवात का माना लटकाने वाला, यानी ऐसा दरख्त है जिस पर अपने असलहा को और सामान को लटकाया जाता है। फमरन बिसिदरातिन, तो हम एक बेरी के दरख्त के पास से गुजरे। फकुल ना, हमने कहा, या रसूलुल्लाह, ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजअल लना ज़ात अनवातिन, आप हमारे लिए भी एक ज़ात अनवात मुकर्रर कर दें। कमा लहुम ज़ात अनवातिन, जैसे उनके लिए असलहा लटकाने के लिए एक दरख्त मौजूद है। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर। आपने यानी गुस्से के तौर पर, ताज्जुब के तौर पर आपने अल्लाह अकबर कहा। इन्ना सुनन, ये तरीके हैं, इन्ना सुनन, ये तरीके हैं। कुल तुम कमा कालत बनू इसराइल, ये कसम को दरमियान में जुमला मोतरजा है। वल्लजी नफसी बियदेही, ये जुमला मोतरजा है। कुल तुम कमा कालत बनू इसराइल, तुमने कहा है वैसे ही जैसे बनू इसराइल ने मूसा अली सलाम को कहा था। इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, आप हमारे लिए भी एक माबूद बना दें जैसे उनके लिए कई माबूद मौजूद हैं। कहा तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा, इन्नकुम कौमुन तजहलून, तुम ऐसे लोग हो जो जाहिल हो, जो ना ला इलम हो, जो जहालत से काम लेते हो और जो जहालत का मुजाहरा करते हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा तलावत करने के बाद फरमाया, लतरकबुन्ना सुनन मन काना कबलकुम, तुम भी पहले लोगों के तरीकों पर जरूर भी जरूर चलोगे। लतर कबुन्ना, तुम चलोगे, सवार होगे। सुना ना मन खान, अपने से पहले लोगों के तरीकों पर। सही हदीस है। अच्छा, इससे ये बात साबित होती है इससे ये बात साबित होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुतालबे को, अभी उन्होंने कोई शिर्क किया नहीं है, उन्होंने कोई दरख्त को मुतबर्रिक बनाया नहीं है, बल्कि सिर्फ सहाबा ने इजाजत तलब की है कि या रसूलुल्लाह, अगर आप हमारे लिए यानी रसूलुल्लाह बना के देंगे, आप इजाजत देंगे ही तो वो इसको कबूल करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाजत नहीं देते तो वो इसको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने, वो हैं भी नए नए
कुफर के जमाने से उनको हफ्ता 10 दिन हुए इस्लाम कबूल किए हुए, तो इसका मतलब है कि उनका अभी इलम इस्लाम के बारे में बहुत थोड़ा है। जबकि ये बात अबू बाकिद लईसी का ये कहना नहनु हुदसा व अहदीम बिकुफर, ये इस बात की दलालत करता है कि ये मुतालबा इलम वाले पुराने, जिनका दीन इस्लाम के साथ पुराना ताल्लुक था, अंसार महाजरीन, तो उनमें से किसी का ये मुतालबा नहीं है। ये तो नए नए हैं और जमाना है शिरक को अभी छोड़े छोड़े कुछ दिन हुआ है, तो सारा इस्लाम 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, चंद महीनों में भी सीखा नहीं जा सकता। तो लिहाजा अभी इनकी इस्लाम के मुताबिक तालीम होगी, तरबियत होगी, तो बहुत सारी नई चीजें इन्हें पता चलेंगी। अच्छा, इस्लाम में ये करने लगे हैं तो बताया जाएगा कि अभी इस्लाम में ये जायज नहीं है, ये काम करने लगे हैं तो बताया जाएगा भी ये भी इस्लाम में जायज नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरबियत होगी। जैसे एक बच्चा है नया नया स्कूल जाता है, तो वो तो घर का आदी होता है, घर में जिधर मर्जी जा रहा है, जिस टाइम मर्जी जा रहा है, जिस टाइम मर्जी उठ रहा है, जिस टाइम मर्जी खा रहा है, जिस वक्त उसका दिल कर रहा है वो खेल रहा है, जिस वक्त दिल कर रहा है वो सो रहा है, जिस वक्त दिल कर रहा है किचन में जा रहा है, जिस वक्त दिल कर रहा है पानी पी रहा है, मशरूब जो भी दूध पी रहा है, तो उसके लिए कोई डिसिप्लिन नहीं होता। लेकिन जब वो स्कूल में पहले दिन जाता है या पहले हफ्ते में जाता है, तो उसको जाके पता चलता है कि अच्छा यूनिफॉर्म, जो मुझे यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ेगा, अच्छा मुझे 7 बजे ही स्कूल आना है, तो मुझे इसका मतलब है कि 6:30 या 6 बजे उठना पड़ेगा, अच्छा मैं स्कूल में ये कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता, मैं मैडम की और अपने टीचर की इजाज़त के बगैर स्कूल से अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकता, 12 बजे मुझे छुट्टी होनी है तो मैं उससे पहले घर जा नहीं सकता। हालांकि तो कहने का मकसद ये है कि उसको फिर जगह जगह पर बताया जाता है, वो ये काम करने लगता है तो उसके टीचर बताती है ये स्कूल में नहीं है हो सकता, ये करने लगता है टीचर बताती है, तो उसको शुरू शुरू में काफ़ी परेशानी लाहक होती है। लेकिन जब वो स्कूल में 1-2 साल, बल्कि 1 साल 2 साल पढ़ लेता है, तो उसके बाद उसको पता चल जाता है स्कूल के डिसिप्लिन का, उसके बाद फिर वो 10 साल तक स्कूल में पढ़ता है, फिर उसके बाद कॉलेज जाता है, फिर उसका यूनिवर्सिटी जाता है, तो यूनिवर्सिटी में जाकर फिर वो बचपन की तरह लौट आता है जहाँ पर कोई खास डिसिप्लिन वगैरह नहीं होता। ठीक है, कहना ये चाहिए वहां पर फिर तमाशबीनी का माहौल होता है, तो वो जब उसको पहले दिन स्कूल आया था और उसके बाद 10 साल उसको डिसिप्लिन के अंदर रखा, और कॉलेज में भी अगर वो साथ यूनिवर्सिटी नहीं है तो वो कॉलेज में भी कुछ ना कुछ बाहर डिसिप्लिन होता है, तो जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको मुकम्मल बदतमीज बना दिया जाता है, और फिर वो सोचता है, वैसे सोचते लोग कम ही है, लेकिन वो सोचता होगा अगर उसको सोचना चाहिए, कि जब मैं पहले दिन स्कूल आया था तो मुझे बड़ा मुहज्जब बच्चा, बड़ा डिसिप्लिन बनाया गया, और डिसिप्लिन बनाने के लिए 10 साल स्कूल में मुझे फेंटी लगती रही। फेंटी से मुराद ये है कि हर वक्त जी ये नाखून चेक करके आओ, तो ये करके आओ, शूज पॉलिश होने चाहिए आपके, जो यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, टाई सीधी होनी चाहिए, आपकी पैंट को सिलवटे नहीं होनी चाहिए आपका, मतलब सो आन सो इस तरह की चीजें। जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है कहते हैं फिर 10 साल मेहनत किस लिए की थी जब दोबारा आके मैंने बदतमीज बनना था, बल्कि कायनात का सबसे बड़ा बदतमीज, चांद एक को छोड़कर जिनके माँ बाप की तरबियत अच्छी, बाकी तो आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों का मैं कह सकता हूँ, बाकी दुनिया की यूनिवर्सिटी का नहीं मैं कह सकता, बाकी तो हो सकता है कोई अमीरुल मोमिनीन की यूनिवर्सिटियां, तो यहाँ पर अब शीशा चल रहा है, यहाँ पर ड्रग्स चल रहे हैं, यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं यार, अल्लाह माफ फरमाए, वो एक क्या उसको क्रिस्टल सा होता है, उसको क्या बोलते हैं आजकल, बहुत यूनिवर्सिटियों के बच्चे बहुत आदी हो रहे हैं उसको, जिससे अब बंदे को नींद नहीं आती, और आइस हाँ आइस आइस बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है आइस चल रही है, ड्रग्स चल रहे हैं, और बाकी जो जिनसी बेरहरवी है वो इसके अलावा है। तो वो मैं बात कर रहा था कि 10 साल जो उसको डिसिप्लिन में गुजारा, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आकर उसका सारा डिसिप्लिन तबाह बर्बाद कर दिया, जबकि उसने अब अमली जिंदगी में कदम रखा, इसके बाद उसने टीचर बनना था, इसके बाद उसने किसी महकमे में जाना था, इंजीनियर बनना था, डॉक्टर बनना था, टीचर बनना था, कोई भी उसने, अब तो उसको ज्यादा जिंदगी में सुलझाओ की जरूरत थी, तो यहाँ पर आके उसको बखेर दिया। जाहिर है ये चीजें किसी प्लानिंग के साथ हो रही हैं कि इस कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया जाए, इनको अपनी इसको ऐसे उलझा दो नशे में, जिंसियात में, और यानी कि ये लोग एक तो अपने दीन से गाफिल हो जाएं, और दूसरा ये है कि ये कभी भी जो बंदा मतलब नशा करेगा और
फाशी और यानी बेहयाई बेरहमी की तरफ जाएगा, उसको क्या पता है मुल्क में क्या हो रहा है। वो कभी उठ के मुतालबा करेगा कि इस्लाम नाफिज होना चाहिए या यहाँ पर ये खत्म होना चाहिए, हरामकारी खत्म होना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसको उलझा ही ऐसी चीजों में देख गया है, वो बंदा होश में ही नहीं है। चाहे वो ड्रग्स लेके होश में नहीं है, चाहे वो जिनसी बेरहमी की वजह से होश में नहीं है, वो उसका तो मकसद हयात ही वहां पर जाके तब्दील कर रही है। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये चीजें हादसाती तौर पर हो रही हैं, बल्कि मेरा ये मानना है और ये हकीकत है कि ये चीजें प्लानिंग के साथ हो रही हैं, अरे बाई तो बुक। खर्चा कोई नहीं, तो दस तेरे खर्चा कर लेना गाल जी तो मोड़ तो दस है तो नहीं आया सब, इनका माइक खुला हुआ है बीच में, ऑफ कर दो। चांदी गमला। मैं बहुत बड़े परेशान हो भाई, ना चलिए कर दो सर। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा शायद मुझसे कुछ सवाल, तो बहरहाल कहाँ से बात चली थी, तो बस जो सहाबाए किराम नए नए मुसलमान हुए उनको भी नहीं पता भाई कौन सी चीज ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम जब मुशरिक थे तो हम बुतों को पूछते थे, तो उसकी तो अल्लाह और उसके रसूल ने इजाजत नहीं दी थी। तो अगर कोई दरख्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हमारे लिए बायसे तबरुक बना देंगे, तो इसका इस पर चलना, इसको तबरुक समझना, चूंकि अल्लाह के नबी के बनाने से होगा, फिर तो और वाकई ही। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दरख्त को, किसी सिदरा को, किसी बेरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायसे बरकत बना देते, तो वो आज भी बायसे बरकत होता। लेकिन इस्लाम ने सद्दु जराए के लिए बहुत सारी चीजों को सद्दु जराए के लिए भी मना किया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बराह रास्त बेहयाई नहीं है, लेकिन उनको इसलिए मना किया कि भाई ये बेहयाई की तरफ लेके जाने वाली। बहुत सारी चीजें ऐसी जो खुद शिर्क नहीं है, शिर्क अकबर नहीं है, लेकिन अगर उनको इख्तियार करेंगे तो शिर्क के लिए जरिया बन सकते हैं। जैसे तस्वीर है, मूर्ति है, तो अब देखें बजाते खुद कोई शख्स मूर्ति बनाता है, तो उसमें एक तो ये वजह है कि वो अल्लाह ताला की तखलीक की नकल कर रहा है, तो इस वजह से वो ऐसी चीजों को तखलीक कर रहा है जो अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसान का मॉडल और एक इंसान का मतलब सराफा बनाया और उसमें फिर रूह फूंकी, तो ये भी अल्लाह ताला यानी खुदाई खुदाई तखलीक की नकल कर रहा है, तो इस वजह से ये काबिले मजम्मत है। और दूसरा इस वजह से कि पहले बुत बने, पहले तस्वीरें बनी, पहले मूर्तियां बनी, तो फिर उसकी पूजा पाठ शुरू हुई ना, तो इसलिए ये जो तस्वीर है, बुत है, मूर्ति है, ये बनेगी तो पूजा शुरू हो सकती है। इसलिए सद्दु ज़राए के तहत मूर्ति को और इस तरह की चीज़ों को, तस्वीर साजी को अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिया। तो भाई दरख्त है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ जी ये दरख्त है, मैं इसको तुम्हारे लिए बायस बरकत बनाता हूँ। तो हो सकता है एक दो जनरेशन जो है वो ये सहाबा तो उसको बायस बरकत ही समझे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसको हाथ लगे हुए हैं, लेकिन अगले वाली जनरेशन उसको अपना माबूद समझना शुरू कर दें, उसे आगे बेटे और मनते मुरादें और टाकिए और धागे और ताले बांधने शुरू कर दूं, तो बेड़ा तो गर्क हो जाएगा ना, जिस तरह बनी इसराइल का हुआ। जी, तो इसलिए उनका ये मुतालबा करना, ये उनका मुतालबा करना अगरचे कम इल्मी की बुनियाद पे था, जैसे कि वो कह रहे हैं नहनु हुदथा वाहदिम बिकुफरिन, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस कम इल्मी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजर नहीं दिया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर फिर भी सख्ती की है। क्योंकि शिर्क और तौहीद के मामले में उजर जो है ना, जहालत को उजर नहीं बनाया जाएगा, इस पर सख्ती की जाएगी। हालांकि वो कह रहे हैं नहनु हुदसा वाहदिम बिकुफरिन, इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्से के साथ और बड़े नाराजगी के साथ, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गैज़ो गज़ब का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया, और फिर ये कहना कि तुमने वही बात की है जो बनी इसराइल ने की, और उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयत भी तिलावत करना कि इजअलना इलाहन कमा लहुम आलिहा क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजहलून। तो ये जो मुतालबा करने वाले नए नए मुसलमान होने वाले लोग थे, इनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर यही आयत फिट की है कि ये तो ऐसा ही मुतालबा है कि जैसे ये कहा जाए कि भाई हमारे लिए इलाह बना दो, तो ये बनी इसराइल के मुतालबे की तरह का मुतालबा है। और दूसरा, ये कम इल्मी की बुनियाद पर है, ये जहालत है, रसूल सल्लम ने उनको माजूर नहीं समझा। और बाकी कहते हैं कि देखें तबर्रुक पकड़ना, बाज़ चीज़ों बाज़ शिरक ऐसे होते हैं जो शिरक अकबर हैं, बाज़ चीज़ ऐसे हैं जो शिरक असगर हैं। शिरक अकबर ये है कि भाई अल्लाह ताला के सिवा किसी को हाजत रवा, मुश्किल कुशा और इस तरह की चीज़ें समझे, और शिरक असगर ये होता है कि भाई
कोई एक तो रियाकारी शिर्क असगर है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें बंदा ये समझे कि ये सबब है अल्लाह ताला के कुरब का, ये सब यानी उस चीज को खुद हाजत रवा मुश्किल कुशा या कादिर और कदीर नहीं समझता उस चीज को, उस फर्द को, बल्कि कहता है कि अल्लाह ताला ने इसमें ये तासीर रखी, ये शिर्क शिर्क असगर में चला जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि इस्लाम के अंदर ना कोई दरख्त मुतबर्रिक है, ना कोई परत्तर मुतबर्रिक है, और रही बात हजरे अस्वद की, तो उसके बारे में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने हजरे अस्वद को, जो इस जमीन पर सबसे अगर कोई अफजल पत्थर मौजूद है तो जाहिर है हजरे अस्वद ही है, क्योंकि वो जन्नत से आया हुआ पत्थर है। तो सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने उसके जब बोसा देने के लिए आए तो कहा, इन्नी लआलम अन्नक हजरुन ला तदुर वला तनफा, मुझे मालूम है कि तू एक पत्थर है, ना तो कोई नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। लौला अन्नी रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलु का मा कब्बलतु, अगर मैंने तुझको, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं कभी भी तुझे बोसा ना देता। ये यानी हजरे अस्वद को भी उन्होंने बजाय बजाते खुद मुतबर्रिक नहीं समझा, या बजाते खुद हजरे अस्वद को कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं समझा, बोसा क्यों दे रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। बस बैतुल्ला को हम बायसे बैतुल्ला की जगह मस्जिद हराम बाबरकत है, लेकिन किसने बाबरकत बनाया है? अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया। हम जो बैतुल्ला के का मकान है उसकी जात की वजह से उसका तवाफ नहीं कर रहे, बल्कि तवाफ क्यों कर रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है कि ऐसा। ठीक है जी, हमारा ये अब आपको पता चला होगा कि हमारे इधर पाकिस्तान हिंदुस्तान में एक अजीबो गरीब किस्म का फतवा लगाया जाता है, नजदी 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 है, वो इस वजह से लगाया जाता है। नजदी 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 क्यों कहते हैं? वो ये करें, ठीक है, हालांकि नजदी होना तो कोई बुरी बात नहीं है, नजद तो किसी इलाके का नाम है, ठीक है, तो नजद जो है वो बालाई इलाके को कहते हैं, जो जरा बुलंद इलाका होता है उसको कहते हैं। तो चार तरह के नजद है अरब में अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। शेख मोहतरम, बरीदे का इलाका जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का है, वो उसको नजद कहते हैं ना, वो बुलंद इलाका है उस साइड वाला, तो जी शेख के नाम के साथ ही अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी आता है, इसलिए ये बिल्कुल बिल्कुल, तकल वो नजदी तो करते हैं। हम भी, हम खुद नजदी हैं, सारी दुनिया ही नजदी है। हर पैदा होने वाला बच्चा और प्रवेश पाने वाला बच्चा नजदी होता है, उनको पता ही नहीं है ना, काफी है ये नजदी होना तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजदे इराक के इलाके से फितने पितरों के नमूदार होने के, शैतान के सींग तुलू होने के, और वहां पर गुनाह का जलजाल बल फितन ये कहा था। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चेहरा मुबारक था मदीने से मशरक की जानब था, और हदीस में सराहत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा नहवल मशरक, मशरक की तरफ, आप कोई बंदा मदीने में खड़ा हो जाए मशरक की तरफ मुंह करे, वहां से सामने इराक है। इसी वजह से सैयदना उस्मान रदी अल्लाह के खिलाफ जो शोरश हुई, फितना निकला, वो इराक की तरफ से आए थे, कूफा वगैरह बसरा। अच्छा, उसके बाद सीना बाद में जो अल्लाह आपका भला करे, सीना अली रजी अल्लाह की शहादत हुई तो उस इलाके के अंदर हुई, सीना हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत हुई तो उस इलाके के अंदर हुई, फिर उसके बाद बड़े बड़े ये जो क्या नाम था उसका मोतजिला वगैरह का और ये जामिया का, वो भी उसी इलाके से निकला। तो जितने भी फितने नमोदार हुए हैं अभी तक, बड़े फितने चाहे नजरियात के एतबार से हो और चाहे वो खवारिज के और तलवार उठाने के एतबार से हो, तो वो इस इलाके से हुए हैं। तो
वो जिस नजद की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजम्मत की थी वो नजदे इराक है, और जिस नजद में शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह पैदा हुए तो उसको नजदे हिजाज कहते हैं। तो अरब की सरजमीन पर चार तरह के नजद हैं, ठीक है। हाँ, हर नजद की मजम्मत नहीं की, दोबारा नजदी होना तो खैर बड़ी बरकत बात है। तो वो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा था, जब ये लोग मजम्मत करते हैं भाई शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह की और उलमाए अरब की, उलमाए नजदिया की, और इसी तरह शेख शाह इस्माइल शहीद रहिमहुल्लाह की, क्यों करते हैं भाई इस तरह के अफवाह मानते हैं ना, वो इनके सारे शिरक को बिल्कुल बेनकाब कर दे, वो बिल्कुल इशारों के नायों में बात नहीं करते भाई। अब ये देखें कौन सा ऐसा दरबार है, कौन सा ऐसा मज़ार है, कौन सा ऐसा आस्ताना है जिसके ऊपर दरख्तों से, हजरों से, पत्थरों से, दीवारों से, उसकी कब्रों से, उसकी मट्टी से, उसके मतलब कह लें कि दरख्त, आप ऐसे ऐसी बेरियां आप देखेंगे, मैं तो कहीं जाता हूं तो हर जगह में मिल जाता है, कोई दरख्त होता है उसके ऊपर टाकियां बांधी होती हैं, लोगों ने कपड़े बांधे होते हैं, अजीबो गरीब किस्म की लोगों की स्टाइल है, क्योंकि ये फलां कब्र के ऊपर लगा हुआ बोर्ड का दरख्त है, बेरी का दरख्त है, फलां है, सुल्तान बाहू के बारे में हमने सुना है वहां पर बेरी का दरख्त लगा है, लोग कहते हैं वहां पर जाके अपनी झोली फैलाते हैं तो बेर का दरख्त गिरे तो बेटा पैदा होगा, पत्ता गिरा तो बेटी पैदा होगी, इस तरह की। तो कहने का मकसद यह है कि ये ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में हो नहीं रहा, कि हम झूठ बोल रहे हैं, नहीं, मुसलमान ऐसा करते नहीं है भाई, ऐसा हो रहा है और कसरत के साथ हो रहा है। तो फिर उलमाए नजदिया उनके खिलाफ लिखने, बोलने और फतवे लगाने की जरूरत क्यों पेश आती है भाई, वो शिरक को बेनकाब करते हैं, उनका यही जुर्म। वो कहते हैं कि भाई ये दरख्तों से, पत्थरों से, हजरों से, कब्रों से, मज़ारों से, दीवारों से, और लोटों से, और बर्तनों से, चायदानी से, फुलादानी से, बाबा जी यहाँ बैठा करते थे, ये उनकी बैठक थी, यहाँ से गुजरा करते थे, ये उनकी घोड़े की वो जो क्या कहते हैं उसको, वो जिसमें पाँव रखते हैं रकाब, ठीक है, ये जब घोड़सवारी करते ना ये रकाब वो पहनते थे, तो लिहाजा इसको पाँव रखे हुए हैं तो इसको अपने घर के उस छत के ऊपर लगा दो, ये उनके हाथ की, तो मतलब इसी तरह घोड़े से तबरुक लिया जा रहा है। तो खैर वो तो घोड़े से तबरुक ना भी लें तो उनका तो मामला ही अलग है ना, वो तो इस्लाम और कुफर का वाज़ेह मसला है। तो ये मुसलमान लिए जा रहे हैं, इनको समझाने की जरूरत है, इनको ये फिर इनके जो उलमाए सू होते हैं वो क्यों तान करते हैं शेखुल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब पर, या इमाम तैमिया पर, या इब्ने कय्यम पर, क्यों, इनको क्या दुश्मनी है? पर दुश्मनी ये है भाई, ये बाप मानते हैं, वो कहते हैं ये शिरक है, ये शिरक असगर है, ये शिरक अकबर है, ये शिरक की तरफ लेके जाने का जरिया है भाई, ये बात उनको कहाँ भाती है, उनकी सारी रोटियां ही दरख्तों, शजरों, हजरों, पत्थरों पे लगी हुई हैं, उनका सारा जिसको कहते हैं पेट की जहन्नम का ईंधन ही इससे चल रहा है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। हाँ जी, आप इस तरह के वो बाप कायम करते हैं, आप कैसे जान छूटेगी उनकी। बहरहाल आज बहुत सारे अफराद जो है वो बहुत ताखीर से आए, और ये हदीस ना अबू वाकिद अल-लैसी वाली हदीस सुबानी याद करें, जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं और क्लास शुरू कर चुका होता हूं तो चाय आ जाती है, 3 साल से मेरी चाय का नुकसान हो रहा है, यदि मुझे आदत नहीं है कि मैं बोलते बोलते ना वक्फा करूं, तो वो मेरी चाय बड़ी बड़ी ठंडी हो जाती है। अच्छा जी, अल मुदारियो व अलामतुहु, ये इसका खुलासा हमने पढ़ लिया था, आप सिर्फ मतन पढ़ते हैं। लम्मा वलम्मा फरक्तु मिन ज़िक्र अलामातिल अम्र व हुक्मिही, जब मैं फारिग हुआ अमर के अलामात और उसके, यानी अमर के अलामात और उसके हुक्म को जिक्र करने से, अलामात से मुराद उसकी अलामत जिक्र की, कि दलालतुहु अला तलब व कबूलहु या अल मुखातबती, ये उसकी अलामत हो गई, और हुक्म उसका क्या है कि वो मबनी अला सुकून होता है, मबनी अला सुकून होता है, या फिर मबनी अला हस्फ नून होता है, व बयान मख्तलिफ फीह मिन हो, और उस चीज के बयान के बारे में जिसके जिसके जिसमें
अमर होने और ना होने के बारे में इख्तलाफ किया गया है, जैसे हलुम्मा वगैरह था और हाथी और ताला। तल्लस्तु बिज़िक्रिल मुज़ारे, मैंने तीसरे नंबर पर मुज़ारे का जिक्र किया। तल्लस्तु इसका लफ्जी तर्जमा करना आज तक नहीं हमें आया, नहीं सल्लस्तु का लफ्जी तर्जमा क्या। अच्छा जी, फ़ज़कर तो अन्ना अलामत हो यसीहा दखूल लम अलैह, मैंने जिक्र किया अन्ना अलामत हो, ये उन्होंने मतन में जिक्र किया हुआ है, अन्ना अलामत हो बेशक उसकी अलामत यानी मुजारे की, यसीहा दखूल लम अलैह कि उस पर लाम मीम का दाखिल होना दुरुस्त हो। बस फिर मुजारे की यही एक अलामत, बस और कोई अलामत, और अलामतें हैं करोड़ अलामतें हैं, लेकिन इब्ने शाम, चूंकि इब्ने शाम है उनका एक लेवल है, वो सारी बातें नहीं बताते, मतलब कि इतनी अलामतें जिक्र कर दो। तालिब इल्म को कहो कि फेल मुजारे वो होता है जिस पर लाम मीम का दाखिल होना, लम का दाखिल होना जिस पर दुरुस्त होना, वो फेले मुजारे होता है। अब इस लम को आप दाखिल करें, लेमा नहीं लम, आप फेले माजी पे दाखिल करें, लम जाराबा कभी नहीं हो सकता, लम इदरिब नहीं हो सकता, इसका मतलब पीछे एक ही बच गया, जिस पर लाम मीम दाखिल हो जाए वो सिर्फ फेले मुजारे होता है और कोई नहीं होता। नहवु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वज़कर्तु अन्नहु ला बुद्द अन यकून फी अव्वलिही हर्फुन मिन हुरूफ नईतु। वो कहते हैं मैंने ये बात भी जिक्र की थी, ला बुद्द के जरूरी है, ला बुद्द के जरूरी है अन यसिहा के दुरुस्त, सॉरी ला बुद्द जरूरी है अन यकून फी अव्वलिही के उसके शुरू में हूं, हर्फ मिन हुरूफ नाई तो नून हमजा या ता हुरूफ नाई तो में से कोई एक होना चाहिए, वही नून वल अलिफ वल या व ताओ, वो नून अलिफ या और ता है, हम इसको हुरूफ मुजारे भी कहते, इसको हुरूफ मुजारे भी कहते। जब बाज लोग इसको अलामते मुजारे कह दें, अलामते मुजारे नहीं है मेरे भाई, अलामते मुजारे ये नहीं है, अलामत उस चीज को कहते हैं जो एक शहर में पाई जाए और दूसरी जाए, तो हमजा ता या नून ये अलामते मुजारे नहीं है, ये हरफे मुजारे, अहरुफुल मुजाराते कहते हैं, अहरुफुल मुजाराते यानी मुजारात के हरूफ है, यानी कोई भी फेले मुजारे इन चार में से किसी एक के बगैर हो नहीं सकता, लेकिन जहां ये हरूफ पाए जाए लाजिम नहीं है कि वो फेले मुजारे हो। जैसे आप इस्तेमाल करते हैं अता या अती, तो अता के शुरू में हमजा है, तो इसका मतलब फेले मुजारे है, नहीं, जहां भी हमजा ता या नून शुरू में आए उसका फेले मुजारे होना जरूरी नहीं, लेकिन फेले मुजारे के लिए हमजा ता या नून में से किसी एक का शुरू में होना जरूरी। ये बात समझ लें इब्ने शाम आगे समझाने वाले, और मैंने ये बात भी जिक्र की अन्ना हु ला बुद्दा यकूना फी अव्वले ही, मैंने ये बात भी जिक्र की कि लाजिम है यकूना फी अव्वले ही कि उसके शुरू में हूँ, हर्फ उनको एक हर्फ मिन हुरूफ नाई तो यानी नून हमजा या ता यानी हुरूफ नाई तो में से कोई एक होना चाहिए, वही नून वल अलिफ वल या व ताउ नहवु नकूम, शुरू में नून आया। वहाकूम शुरू में हमजा आया, व यकूम शुरू में या आया, व तकूम शुरू में ता है, व तुसम्मा हादिहिल अरबातु अहरफ अहरुफल मुजाराते, और इन चार को हुरूफे मुजारा कहते हैं, हुरूफे मुजारा कहते हैं, व इन्नमा ज़करतु हादिहिल अहरुफा बिसातन व तमहीदन लिल हुक्म अल्लज़ी बादहा, मैंने इन हुरूफ को जिक्र किया है बिसातन एक बहस को जरा फैलाते हुए, व तमहीदन और तमहीद मानते हुए, लिल हुक्म अल्लज़ी उस हुक्म के लिए जो इन इसके बाद आ रहे हैं, लाल उअर्रिफ़ा बिहल मुज़ारे, सुभान अल्लाह खूबसूरत बात है जी, कहते हैं इसलिए मैंने इन हुरूफ नाइतों का जिक्र नहीं किया, ला इस वजह से नहीं, ले उअर्रिफ़ा के मैं तारीफ करूं बेहा इन हुरूफ के साथ अलफेल अल मुजारे या फेल मुजारे की, लिअन्ना वजद नाहा, क्योंकि बेशक हमने देखा है कि
पाया है इन हुरूफ को तदखुलु फी अव्वलिल फेलिल माजी, ये हुरूफ नाई तो फेले माजी के शुरू में भी दाखिल होते हैं ना, वो आप कहते हैं अकराम तो ज़ैदन हमजा शुरू में आ रहा है, तअल्लमतुल मसला था मैंने मसला सीखा ता शुरू में आ रहा है, नरजस्तु दवा मैंने दवा में नरजस यानी नरगस इसको मिलाई, नरगस वो जो फूल होता है या उसका पौधा, इस जाल तो फी है नरजसन मैंने उसमें जिसको आप नरगस कहते हैं ना वो यही नरजस है, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन तो इजा जाल तो फी नरजसन जब मैंने उसमें नरगस को मिलाया वयर ना तु शैबा, अच्छा जी शुरू में यह आया है इजा खजब तो हु बिल यार बिल युरन ना वहवल हिन्नाव, यानी यार ना तो का मतलब यह है कि मैंने सफेद बालों को सफेदी को बुढ़ापे को मेहंदी लगाई, खजब तो यानी मैंने खिजाब लगाया बिल यरुन्ना यरुन्ना के साथ, यरुन्ना से मुराद क्या है ना मेहंदी, इन्ना मल उम्दा तो फी तारीफ इल मुजारे दुखूल लम अलैहि, कहते हैं उम्दा बात असल बात फेले मुजारे की तारीफ में उसकी अलामत में यही है, फेले मुजारे की अलामत यह है कि जिस पर लम दाखिल होना दुरुस्त हो, तो कहते हैं ये फेले इसके ऊपर फेले मुजारे की जो मैंने जिक्र किया कि फेले मुजारे के लिए जरूरी है कि उसके शुरू में हमजा ता या नून या हमजा नून या ता में से कोई हो, हरूफे नई तो कह लें इसको या हरूफे अतईन कह लें इसको आपकी मर्जी है, अच्छा तो फेले मुजारे होने के लिए तो हमजा ता या नून चार में से किसी एक का होना शुरू में जरूरी है, हाँ लेकिन ये बात नहीं है कि जहां भी ये शुरू में आ जाएंगे वो फेले मुजारे होगा, यानी ये फेले मुजारे की अलामत नहीं है, अलामत वो होती है जो फिर फेले मुजारे में हो किसी और में ना हो, जैसे लम है लम हो सिर्फ फेले मुजारे पे दाखिल होता है और ना फेले माजी पे दाखिल होता है ना फेले अमर पे दाखिल होता है, लम लाम मीम लम मीम के सुकून के साथ, लेमा हरफे इस्तेफाम तो कहीं भी आ सकता है ना, अच्छा कहते हैं ये जो मैंने जिक्र किया है ना इन हुरूफ को के देखें फेले मुजारे के बनने के लिए इन हुरूफ का शुरू में होना किसी एक का जरूरी है, कहते हैं मैंने ये बहस को फैलाते हुए और तमहीद उस बहस की तमहीद के तौर पर जिक्र किया जो आगे आ रही है, वो क्या आ रही है कि फेले मुजारे जब आप बनाएंगे तो फिर चार हरफी फेले माजी सुलासी मुजरद से बनाएंगे या सुलासी मजीद फी से बनाएंगे या माजी तीन हरफी होगी या माजी तीन हरफी से चार हरफी होगी या चार हरफी से कम होगी या चार हरफी से ज्यादा होगी, तो फिर ये जो हरूफ मुजारे हैं इनके शुरू में ये जो शुरू में आएंगे तो शुरू में इनको फतहा देना है या शुरू में इनको जम्मा देना है, तो ये बातें फिर आएंगी कि आपने शुरू में फतहा देना है ये जम्मा, तो इस तमहीद के लिए कि जब फेले मुजारे बनेगा तो जो हरफे मुजारे आपने लगाना है उसको आपने कौन सी हरकत देनी है, मैंने उस लिए हरफे मुजारे का जिक्र कर दिया, कहते हैं हुक्मुल मुजारे बेतवारे अव्वल ही व आखिर ही, फेले मुजारे का हुक्म उसके अव्वल के एतबार से यानी उसका जो इब्तदा है तलफ्फुज़ के एतबार से उसका आपने तलफ्फुज़ करना है, तो शुरू में मिसाल के तौर पर ज़ाराबा या दरीबू आदरीबू नदरीबू, अब मैं जो फेले मुजारे का शुरू है उसका जो हरफे मुजारे जिसको हम कहते हैं और आपकी जबान पर अलामते मुजारे ही चढ़ा होगा तो आप उसको भूल जाएं अलामते मुजारे ना कहें, अगर आप कह भी दें तो उससे कोई ऐसी खराबी लाजिम नहीं आती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये अलामत नहीं है उस माना में कि अलामत वो होती है कि जो फेले मुजारे में पाई जाए और किसी और में ना पाई जाए, ठीक है, तो जबकि यही हमजा ता या ये फेले माजी के शुरू में भी आ जाते हैं, तो जब आप माजी से मुजारे बनाएंगे देखें मस्दर होता है मस्दर से आप फेले माजी बनाते हैं, अच्छा फेले माजी से फिर फेले मुजारे बनता है, फेले माजी से शुरू में आप हरफे मुजारे लगाते हैं और फिर इस तरह आखिर में आप जम्मा देते हैं क्या देते हैं और ऐन कलिमा को क्या करते हैं फतह देते हैं कसरा देते हैं, इस एतबार से
मुजारे बनता है। तो वो जो शुरू में अलामते मुजारे जिसको आप पुरानी टर्म में कहते थे, अब हम उसको हरफे मुजारे कहते हैं या हरूफे मुजारे कहते हैं। तो अब शुरू के अंदर फेले मुजारे की जो शुरू है यानी हरफे मुजारे, उसको क्या हरकत देनी है, और फेले मुजारे के आखिर का हुक्म क्या होगा कि फेले मुजारे के आखिर में इराब यानी उसका इराब क्या होगा। इस एतबार से लम्मा फरक तो मिन जिक्र अलामात मुजारे, जब मैं फेले मुजारे की अलामात, वो एक ही अलामत उनने जिक्र की है, फिर तो फी जिक्र हुक्म ही, मैं उसके हुक्म के जिक्र करने की इब्तदा की मैंने, फजकर तो अन्ना लहू हुक्म ही ने, मैंने ये बात जिक्र की कि उसके दो हुक्म हैं, हुक्मन बे एतबार अव्वल ही, एक हुक्म उसके शुरू के एतबार से यानी शुरू में जो हरफे मुजारे लगाएंगे उसको आपने क्या हरकत देनी है, वह हुक्मन बे एतबार आखिर ही, और एक हुक्म उसके आखिर के एतबार से क्या आखिर में क्या लगाना है, फामा हुक्मुहु बे एतबार अव्वल ही फइन्नहु युज़म्मु तारतन व युफ्तहु उखरा। अच्छा, कहते हैं कि फेले मुजारे जब आप फेले माजी से बनाएंगे बनाएंगे तो उसके शुरू के एतबार से जो हरफे मुजारे आप शुरू में लगाएंगे, फइन्नहु युज़म्मु तारतन, उसके फेले मुजारे के शुरू को कभी जम्मा दिया जाता है, वही युफ्ता हो खरा, और कभी एक दफा जम्मा दिया जाता है और कभी दूसरी दफा फतहा दिया जाता है। फयुज़म्मु, अब बात याद रखनी है, कायदा बयान करें, फयुज़म्मु इन कानल माजी अरबाता अहरुफिन, कहते हैं कि जम्मा दिया जाता है फेले मुजारे के शुरू को, इन कान अल मादी, अगर माजी जिससे वो मुजारे बन रहे, अगर उसकी माजी अरबाता हरफिन चार हरफी हो, अगर माजी चार हरफी हो तो उस वक्त फेले मुजारे में जो हम हरफे मुजारे लगाएंगे तो उसको जम्मा दिया जाता है। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं है कि वो चार हरफी यानी वो यानी चारों के चारों हरूफ असली हों या उनमें कोई जायद भी हो, भाई चार हरफी हो, जैसे अकरामा अकरामा, अब ये चार हरफी है, अब चार हरफी इस एतबार से है कि इसमें तीन हरफ हुरूफ तो असली हैं और चौथा हरफ हमजा जो है वो जायद है और दूसरा दशहराजा, इसमें चारों के चारों हरफ असली हैं, दाल आ रा जीम, तो इसमें भी वही कायदा चलेगा। तो जब आप फेले माजी से फेले मुजारे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी माजी चार हरफी है, चाहे वो चारों के चारों हुरूफ असली हों या उनमें कोई जायद भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माजी चार हरफी है चाहे मजीद फी है चाहे मुजर्रद है, चार हरफी होगी तो मुजारे में यानी हम मुजारे मारूफ की बात कर रहे हैं, मजहूल में तो वैसे ही जम्मा आ जाता है सब पर ही, तो अगर वो चार हरफी है, सवा उन कानत कुल्लुहा उसूल उसूलन, बराबर है ये बात कि वो सारे के सारे चारों के चारों हरफ असली हों, नह वो दहराजा यू दहरीजु औ कान बाजुहा असलन, या ये है कि बाज उसमें से असली हो व बाज हुआ जायदन, या उनमें से बाज जायद हो, जैसे अकरम युक्रिम फइन्नल हमजत फी है जायदत फइन्नल हमजत फी है जायदतुन, बस इस अकरमा के अंदर जो हमजा है वो जायद है, लेअन्ना असलहु कारोमा व युक्ता हो इन कान अल माजी अकल्ला मिन अल अरबाते औ अक्सर मिन, और फेले मुजारे के शुरू में फतहा दिया जाता है अगर माजी चार से कम हो या चार से ज्यादा हो, अलब वालो यानी चार से कम की मिसाल जैसे द्वारा भयदरीबु जहा भयदाबु दाखला यदखुलु सामिया यस्मउ फताह यफ्तहु कारुमा यकरुमु। अच्छा, बस सानी और दूसरे की मिसाल, दूसरे की मिसाल यानी चार अरफी से जायद होने की मिसाल, बस सानी और दूसरा यानी चार अरफी से जायद की यानी पांच अरबी हो जाए या इससे ज्यादा, इन ताला का अब देखें हमजा नून त्वा लाम का पांच अरबी माजी है तो उससे फिर यन ताले को आएगा, वह इस तखरज या तखरे जो तालम या तालम, तो कितने अरबी है तालमा बोल के बताएं, ताल्लामा के कितने हुरूफ हैं जी? चार पांच 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 हैं, ये बात याद रखनी है, ये क्या है, पांच हैं।
चूंकि यहां पर दो नाम है ना, ये असल में था ताल लामा। हाँ लाम को लाम में इदगाम किया है, तो ये लिखने में, तो ये ताल लामा 5 आती है, इसलिए इससे भी या ताल्लमु आता है। और मिसाल ले लें, तादाह राजा, 5 हैं, यतादाह राजो। और कोई मिसाल? अच्छा इख लौ लाका, तो यख लौ लेको। यानी सादा सा कायदा है, पहले माजी से पहले मुजारे बनाते वक्त शुरू को क्या देना है? नंबर एक, माजी 4 हरफी हो। दूसरा, माजी 4 हरफी ना हो। हमने इसको कह दिया माजी 4 हरफी ना हो, तो 4 हरफी नहीं होगी, तो या 3 हरफी होगी या फिर 4 हरफी से जायद होगी। तो आगे इसकी वजाहत लिख देते हैं, 4 हरफी से जायद हो या कम हो। कम होगी तो 3 हरफी होगी, और अगर जायद होगी तो 5 हरफी, 6 हरफी, इससे ज्यादा भी होगी। ठीक है, जब हम 4 हरफी कहते हैं तो उसमें चारों के चारों हरूफ असली हों, जैसे तखराजा के अंदर, या उनमें कोई जायद भी हो जैसे अकरामा के अंदर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हम 4 अरबी से कम कहते हैं तो जाहिर है फिर उससे सुलासी मुजरद के 3 हरूफ होंगे, जाराब यजरेबो। अच्छा, और जायद हो तो फिर उसमें चाहे मतलब मजीद फी हो, 4 अरबी से जायद होगी तो जाहिर है मजीद फी लाजमी आएगा, क्योंकि जो फेल होता है ना, फेल फेल ज्यादा से ज्यादा हरूफ असलिया उसके 4 हो सकते हैं। फेल के हरूफ असलिया ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं। फेल सुलासी हो सकता है या रुबाई हो सकता है, खुमासी या सुदासी नहीं हो सकता। जी, तो अब 4 अरफी होगा फेल, फेल माजी 4 अरफी होगा, तो मुजारे बनाते वक्त शुरू में जम्मा लगाएंगे। ठीक है, और अगर 4 अरफी नहीं होगा, यानी 4 अरफी से कम होगा या 4 अरफी से ज्यादा होगा, तो फिर फेले मुजारे बनाते वक्त शुरू में फतहा लगाएंगे, शुरू में फतहा लगाएंगे। बस अब सवाल हो जाता है आगे, फिर वो सरफ के अंदर ही आप पढ़ते हैं ये चीजें कि भाई अगर सुलासी है तो बनाईने कलमा को क्या देना है। तो जो सुलासी मुजरद के 6 अबवाब हैं, सुलासी मुजरद को जो 6 अबवाब हैं उसमें ऐने कलमा को आपने फतहा देना है, ऐने कलमा को आपने कसरा देना है। भाई इसका एतबार सिर्फ लुगत में है, यानी सिर्फ डिक्शनरी से पता चलेगा, इसका कोई कायदा कानून नहीं है। वो 6 अबवाब हैं, जारब यजरीबु या सॉरी नासर यनसुरु, जारब यजरीबु, फतह यफ्तहु, सामिया यस्माउ, और हसीबा हासिबा यहसिबु और कारुमा यक्रमु। ठीक है, या अब ये लुगत ने तय कर दिया है बात। अब जो भी बाब हम देखेंगे सुलासी मुजरद का, तो हमें नहीं पता कि भाई इसका मुजारे मफतूहुल आइन आना है या सॉरी मकसूरुल आइन आना है, हमें नहीं पता। हम लुगत देखेंगे, डिक्शी देखेंगे, अगर वो सुलासी मुजरद में से आता है, इन 6 बाब में से लुगत वाला लिख देगा कि ये हासेबा बाब है, ये फाता बाब है, ये कारुमा बाब है, ये नासरा बाब है, या तो वो नून लिख देगा, जवाद लिख देगा, हा लिख देगा, या फिर वो डिक्शी वाले इस तरह करते हैं कि वो माजी के साथ मुजारे लिख देते हैं हरकत के साथ, तो हमें पता चल जाता है ये इसका सारा दारोमदार है। यानी ये आप क्यासी तौर पर नहीं इसको बना सकते, यानी इसको आप क्यासी तौर पर नहीं बना सकते, ये इसका दारोमदार सिर्फ लुगत पर है। कि ये बाब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लफज आया, जाला सा, जाला सा बाब। अब ये जाला सा यज लूसू होगा, यज लिसू होगा, मुझे नहीं पता, यज लासू होगा, ये भी नहीं पता मुझे।
तो ये किससे देखूंगा? ये सिर्फ और सिर्फ यानी कामूस डिक्शनरी मुझे बताएगी, चूंकि हमने बार बार जालासा को देखा, इतना मशहूर है, तो हमें पता चल गया कि ये बाप जारा भाई से आता है। ये हमने किसी कायदा से हासिल नहीं किया, ये किसी उसूल किसी कायदा से हासिल नहीं किया, बल्कि डिक्शनरी को देख देख के पढ़ पढ़ के पता चल गया कि भाई ये जो जालासा है ना, ये बाब जारावा में से आता। बाकी रह गए रुबाई मुजर्रद, सॉरी रुबाई मुजर्रद या रुबाई मजीद थी या सुलासी मजीद थी, तो उनका पूरा कायदा मौजूद है। क्या आप बाबे इफ़ाल से मुजारे बनाएंगे तो उसके ऐने कलमा पे क्या होगा, और इस तरह मजहूल के अंदर क्या होगा, वो सरफ के अंदर आप सारा वो कायदे के साथ है यानी उसूल और जाब्ते के साथ बनाते हैं। जो सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं उनका कोई भी बाब आएगा, किसी भी आप कोई भी लफ्ज़ बोलें, मिसाल के तौर पर जी कोई लफ्ज़ आए ना ऐसा, कोई गरीब सा लफज हो यानी ओपरा सा लफज हो जो हम ज्यादा इस्तेमाल ना करते हो, चले पढ़ते हुए को आ जाएगा, तो हमें जिसका मुझे भी आइडिया ना हो कि ये जारा बाब है या सामिया, तो मुझसे आप पूछें कि उस्ताद जी इसका बाप क्या है, तो मैं कहूँगा यार मैं कहूँगा भाई याद नहीं है कि इसका बाप क्या है। मैं फौरन, मेरे पास जो है ना अलकामूसुल वहीद अली मौजमुल वसीद पड़ी है, मैं फौरन डिक्शनरी खोलूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये तो सामिया बाब आता है, इसका दारोमदार डिक्शनरी देखने पर। अच्छा, और जितने डिक्शनरी पर आपको महारत होगी वो अल्फाज आपको याद होते जाएंगे। जिस तरह कादा है, भाई कादा के बारे में ना देख देख के पता है वह कादा या कूदू बाब आता है, ठीक है। सामिया मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि भाई उस दिन आपको बताया था कि किसी को दम करना हो रुकिया तो उसके लिए जारा बाब आपसे रखा या रकी आता है, और सीढ़ियां वगैरह चढ़ना या छत पे चढ़ना तो उससे सामिया से आता है राके या यार का, ये लुगत को देख के हमें पता चला है, वरना हमें कैसे पता चला। अच्छा, फेले मुजारे का मबनी होना उन्होंने पहले बयान किया, फेले मुजारे का मबनी होना पहले बयान किया, बाकी सारा फेले मुजारे जो है वो हाँ वह अम्मा हुक्म हु बेतबारे आखिर ही रहा, फेले मुजारे का हुक्म उसके आखिर के एतबार से, फइन्नहु तारतन युबना अल सुकून, उसको कभी तो सुकून पर मबनी पढ़ा जाता है, व तारतन युबना अल फतेह, और कभी कभार उसको मबनी बनाया जाता है फतह पर, व तारतन युरा वो, और कभी कभार उसको मोर बनाया जाता है, फहाजी सलात व हालात इन आखिरी, ये 3 हालतें उसके आखिर की, एक मबनी अल सुकून होने की और एक मबनी अल फतह होने की और इन 2 सूरतों के अलावा बाकी मोरब होने की, कमा अन्ना ले आखिर माजी सलासा हालात इन वाले आखिर अम्र सलासा हालात इन, जैसे कि फेले माजी की भी 3 हालतें हैं यानी या वो मबनी अल फतह होता है या फिर मबनी अल सुकून होता है या फिर मबनी अल दम होता है, तो इसी तरह फेले अमर के बारे में भी उन्होंने कहा कि या मबनी अल सुकून होता है या मबनी अला हज़्फ़ नून होता है या फिर मबनी अला हज़्फ़ हज़्फ़ आखिर होता है, वाले आखिर अल अमर सलासा हालात इन बिनाउल, उन्होंने एराब बयान करने के बजाय, क्योंकि एराब लंबा है और उसकी मतलब काफी सूरतें निकलती हैं, तो मबनी की सिर्फ 2 ही सूरतें हैं या मबनी अल सुकून होगा, और वो कौन मबनी अल सुकून कौन होगा, जमा मुजक्कर का जो जमा मुअन्नस का जो 2 सीगे होंगे, हाजिर का और गायब का, बिनाउल मुजारे अल सुकून, फेले मुजारे को का मबनी अल सुकून होना, पामा बिनाउ अल सुकून फ मशरूत उन, रहा उसका मबनी अल सुकून होना फ मशरूत उन, वो मशरूत है इस बात के साथ, यत्तासिला बही नून उल एना से, कि उसके साथ जमा मुअन्नस का नून मिला हुआ हो, ना वो अनिस्बा तो यकुम ना वल वालिदा वल वालिदा तो युरदिना वल मुतल्लकाती वल वल मुतल्लकात यतरब्बसना, अब आप इसको देखें कि ये यकुम ना जमा मुअन्नस गायब का सिगा है, इसके साथ नूने निस्वा लगा है, ठीक है जी, और वल वालिदा तो युरदिना ये भी जमा मुअन्नस गायब का सिगा है, फिर मुजारे में से आखिर में नूने जमा मुअन्नस आ रहा है, वल मुतल्लकात या तो अरब बस ना इसके आखिर में भी नून आ रहा है, अब आप इसमें देखें यकुम ना हो या फिर युरदे ना हो या फिर या तो अरब बस ना हो, इनमें आपको फेले मुजारे का जो लामे कलमा है वो हमेशा आपको साकिन मिलेगा यानी उस पर सुकून होगा, आप बोलें या दरेब ना, आसान लफज लेते हैं ना या दरेब ना, अब फेले मुजारे का मबनी अल सुकून होना या मबनी अल फतह होना पहले
भी बताया था, किसी भी फेल का उसके आखिर को यानी उसके लामे कलमा को देखा जाता है। तो आप देखें इसके लामे कलमा जो कि बा है उस पर सुकून है, आप यन सुर ना कर लें, इसका लामे कलमा रा है उस पर आपको सुकून मिलेगा। या तो रब बस ना तरबुज से निकला है, स्वाद कलमा इसका लाम कलमा है उस पर सुकून नजर आएगा। और अर्दा अर्दा युर्दिउ, अब इसका आइन कलमा लामे कलमा है उस पर आपको सुकून मिलेगा। और यकुम ना के अंदर काम यकुम लाम कलमा मीम है उस पर आपको सुकून मिलेगा यकुम। तो पहले मुजारे जब जमा मोनस का नून उसके साथ मिल जाए यानी नूने निस्मा जिसे बोलते हैं, तो वो मबनी अल सुकून होता है हमेशा। लेन अल वावा असली या तो इल्ला अन याफूना, हाँ सिवाय अन याफूना के। कहते हैं ये जो याफूना है, लेन अल वावा असली या तो वही या वाव अफा याफू वल्फेल मबनी अल सुकून अल इत्तिसाल ही बिन नून वन नूनो फाइलुन मुदमरुन आयदुन अलल मुतल्लकाति व वज़्नुहु यफ़उलना वलैसा हाज़ा कयाफ़ूना फ़ी क़ौलिका अर्रिजालु याफ़ूना लिअन्ना तिलका अलवावा ज़मीरुन लिजमाअति अलमुज़क्करीन कलवावि फ़ी क़ौलिका यक़ूमूना व वावुल फ़ेल हुज़िफ़त व नूनु अलामतुर रफ़्इ व वज़्नुहु या यफ़ऊना फ़हाज़ा युक़ालु फ़ीहि इल्ला अन याफ़ू बिहज़्फ़ि नूनै। अच्छा वो ये बात बता रहे हैं ना कि जब आप तायदउ से पहले मुजारे बनाते हैं तो आप इसकी गर्दान पढ़े तो कैसे होगा, यदओ यदओवाने यदओना। अच्छा अगर आप आगे फिर वाहे मुअन्नस के सीगे पढ़े तादउ तदओवाने, जमा मुअन्नस का सीगा कैसे आएगा, तदउ तदओवाने बताएं। ये तो ना नहीं नहीं दोबारा यदउ यदउवाने यदउना तदउ तदउवाने जमा मोनस का सीगा कैसे पढ़ेंगे, हाँ वो भी यदउ नहीं होगा यानी पढ़ने के अंदर जमा मुजक्कर गायब का यदउना और जमा मोनस गायब के यदउना के अंदर तलफ्फुज में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन जो नून यदउना मुजक्कर के आखिर में से आप बोलें अर्रिजालु यदउना, इसके आखिर में जो नून आया है ना ये नून नूने इराबी है, ये नूने जमा मुअन्नस नहीं है, ये नून हमेशा मतलब कायम नहीं रहेगा। अगर इसी यदउना जो जमा मुजक्कर के लिए आ रहा है अब इसी के शुरू में ना आप लम लगा दें तो ये हो जाएगा लम यद नून गिर जाएगी, लेकिन आप ये कहें अन्निसाउ यद ऊना अब इसके शुरू में आप लम लगाएं यद ऊना, ये जमा ये नूने निस्मा है अच्छा अच्छा इसके शुरू में आप लम लगाएंगे ना ये नून नहीं गिरेगा, ये ऐसे ही पढ़ा जाएगा लम यदउना। फर्क क्या है कि ये जो यदउना जमा मुजक्कर के लिए पढ़ते हैं तो आप वो वजन है यफओलूना, इसकी असल है यद ओना, इसकी असल है यद ओना। अच्छा यफ़ौलूना यद ओबूना, यहां पर क्या हुआ है कि जो यद ओबूना के अंदर फेल का लामे कलमा यानी हुरूफे असलिया में से था वो वाव गिरा दिया गया है, वो वाव गिरा दिया गया है, वो वाव हजफ हो गया है, अब पढ़ रहे हैं यद ऊना, तो ये जो वाव है ये जमा मुजक्कर का वाय है यानी जमा मुजक्कर का जमीर फाइल है,
ये ज़मीर फ़ाइल जिसको हम कहते हैं, जो यन सुरूना में आता है। भाई यन सुरूना में ये वाव कहाँ से आई? ये वाव जमा मुजक्कर का वाव है, ये वाव ज़मीर फ़ाइल। अब यन सुरूना की तरकीब करें तो हम कहें यन सुरूना, यन सुरफेल, वाव ज़मीर फ़ाइल। तो वो जो मादे का है, दा यदु के उर्फ़े असलिया का लामे कलमा वाव था, यद वूना के अंदर वो पहला वाव जो कि हरूफ असलिया के अंदर कलमा असली था वो गिर गया है। अब ये जो यद ऊना यानी अर्रिजाल, यद ऊना मुजक्कर के सीगे में ये जो वाव है, ये वाव जमा मुजक्कर की जमीर है, जमीर फाइल है। इसके बरक्स आप, और इसका वजन क्या बनेगा? इसका वजन आप बनेगा या ऊना। इसका लाम कलमा हजफ हो चुका हुआ है, सॉरी मैं किधर क्या गलत कर गया, अच्छा ये लफज है यफ ऊना, यफ ऊना, ये था यफ ओ लूना। वो जो लाम कलेमा है वो गिर गया है, लाम कलेमा जो कि वाव था वो हजफ हो गया है। मुजमा मुजक्कर गायब के सीगे में जो वाव था यानी यद ऊ का जो वाव था, दा यद ऊ का जो वाव था, तो वो हजफ हो चुका है, वो हजफ हो चुका। अब वजन क्या बनेगा? यानी यद ऊना का जब आप वजन करेंगे तो आप लामे कलमा को वजन में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि आप वजन करेंगे या फऊना, यानी या तो हरफे मुजारे आया और फा दाल हो गया, और जो आइन है वो आइन कलमा है, और जो वाव था लाम कलमा वो हजफ हो चुका है, जो वाव जायद आया वाव साकिन वो जमा मुजक्कर का वाव है, और नून नूने इराबी है। अब वजन इसका पहले असल वजन था यफ़ो लूना यंसुरूना, अब वो लामे कलमा हजफ हुआ तो वजन में भी वो लामे कलमा हजफ होगा, आप पढ़ेंगे यफ़ूना। इसके बरक्स तो आप जमा मोनस का सीगा मुराद लेते हैं, जमा मोनस तो आप बोलते हैं पहले आप ना सुलासी मुजरद से डेमो ले लें, यंसुरन। अब आप देखिए यद ऊना, यद ऊना, अब इसका वजन है यफ ओलना, यम सुरना, यफ उलना, यद ऊना। ये यद यानी आप समझाने के लिए मैं ऐसे पढ़ सकता हूं, यद उबना, यफ उलना। यहां पर कुछ भी हजफ नहीं, यहां पर कुछ भी हजफ नहीं, ये है या हरफे मुजारे है जायद है यानी ठीक है, ये दाल जो है ये फा कलमा है, ऐन जो है ऐन कलमा है, और ये जो वाव है ये लामे कलमा है, और नून नूने जमा मोनस, ये अपने असल पर है। लिहाजा जब आप बोलते हैं कि इल्ला अन याफूना, कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह ताला ने उसके बारे में हक मार के बारे में है, मगर ये कि वो औरतें मुआफ कर दें, तो वो जो याफूना है उसमें या हरफे मुजारे है, और जो आइन है यानी अफा याफू से आइन फा कलिमा है, और जो फा है वो ऐन कलमा है, और वाओ लामे कलमा है, और नून नूने जमा मोनस है। इस याफूना का वजन क्या है? इस याफूना का वजन है यफ़ौलना, ये अपने असल पर। यहां पर जो वाओ है ये जमा मुजक्कर का वाओ नहीं, और यहां पर कोई वाओ हजफ भी नहीं हुई, तो लिहाजा इस पर जब आप अब देखें ना, ये जमा मोनस का सीगा है, एक तो इसके सियाक से पता चल जाएगा कि पीछे
औरतों की और जमा मुअन्नस का जिक्र चल रहा है। दूसरा, इस पर जब हमजा और नून यानी इस पर अन मस्तरिया दाखिल हुआ, अन नासिबा, जब इस पर अन नासिबा दाखिल हुआ, अगर ये नूने राबी होता, ये जमा मुजक्कर गायब का सीगा होता, तो फिर हो जाना था इल्ला अन याकू। जब इसका नून नहीं गिरा अन नासिबा के आने के बावजूद, तो ये दलील है कि ये नून नूने राबी नहीं, ये नून जमा मुअन्नस है और ये सीगा जमा मुअन्नस गायब का है। जबकि अगर आप ये बोलते हैं अर्रिजालु याकूना, लिखने में तलफ्फुज करने में अन्निसाउ याफूना और अर्रिजालु याफूना में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन असल में फर्क होगा। ये याफूना असल में याफोबूना था, इसमें से एक वाव हजफ हुआ है, ये याफोलूना के वजन पर है, लेकिन जब हम इसको यानी रफा की हालत में पढ़ेंगे तो फिर तो आखिर में नून होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं अर्रिजालु लई या फू, अब वो नून गिर जाएगा। जब इस पर नासिब या जाजिम आएगा, तो चूंकि ये नून नूने एराबी है, नूने एराबी अफाले खमसा के अंदर यानी जमा मुजक्कर के सीगे, तस्निया के सीगे और वाहिद मुअन्नस मुखातब का जो सीगा होता है, इसके आखिर में फिल मुजारे में जो नून होता है ये नूने एराबी होता है। रफी हालत में ये नून बाकी रहता है, नस्बी और जज्मी हालत में ये नून गिर जाता है। ये उस सीगा उन्होंने बताने की आपको असल में कोशिश की है। अच्छा, अब आपने ये समझ लिया तो अब दोबारा जब इमाम ने शाम राय मोहल्ला की इबारत पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। कहते हैं वह मिन हो, और उसी में से है, किस में से, जमा मुअन्नस में से या नूने निस्वा में से या मबनी अल सुकून में से ही है। इल्ला याकूना, याकूना क्या सीगा है? आप कहेंगे जमा मुअन्नस गायब फेल मुजारे मरूफ बाब नासारयन सुरु आफाया। ये जो नून है ये नूने निस्वा है। कोई आपसे पूछे कि भाई देखे आन मस्तरिया के आने के बावजूद नून क्यों नहीं गिरा, तो आप कहेंगे भाई नून गिरता है नूने इराबी का, जो नूने निस्वा होता है नूनुल एनास होता है वो कभी नहीं गिरता, वो नस्बी हालत में जज्मी हालत में रफी हालत में वो कभी भी नून जो जमा मुअन्नस का नून है वो कभी भी गिरता नहीं है। ले अन्नल वाव असलियतुन, कहते हैं कि भाई ये जो याफूना के अंदर जो वाव आपको नजर आ रही है ना, ये वाव अफा याफू की असली वाव है, जो के अफव के मादे के अंदर पाई जाए। ऐन फा वाव मादा है ना अफव का, तो ये वाव ले अन्नल वाव असली है, तुम क्योंकि वाव असली है, वही या वाव अफा याफू, ये अफा याफू की वाव है। वालफेल मबनी अल सुकून लित्तिसाल ही बिन नून, ये ऐन याफूना का जो फेल है ये मबनी अल सुकून है लित्तिसाल ही बिन नून, इसके नूने जमा मुअन्नस के साथ मिलने की वजह से। वह नून फाइल उन मुजमर उन, और नून ये जो नून है ना यही जमीरे फाइल भी है। आप यज़रिबना की यंसुरना, आपसे कहा जाए भाई यंसुरना की तरकीब करें, तो आप कहेंगे यंसुरना फेल नूने मफ्तू, ये नूने जमीर आप कहते हैं ये फाइल है, ये फाइल होता है। जैसे आप जारा बू के अंदर फाइल किसको कहते हैं, वाव जमीर, जारा बा में फाइल किसको कहते हैं, अलिफ जमीर, जराबता के अंदर फाइल किसको कहते हैं, ता जमीर को। इसी तरह जमा मुअन्नस चाहे माजी में हो चाहे मुजारे में हो चाहे अमर के सीगे में हो, जो नून होती है वो जमा मुअन्नस की अलामत भी होती है और जमीर फाइल भी होती है। पर नून फाइल उन मुजमर उन, नून जमीर फाइल है, आयदुन अलल मुतल्लकात, ये मुतल्लकात पर लौटने वाली है। वज़्नुहु यफ़उलना, और ये यफ़उलना के वजन पर है। अब यफ़उलना का वजन आप देखें तो इसमें या तो हो गई जायद यानी हरफे मुजारे, फा कलमा असली है, ऐन कलमा असली है, लाम कलमा असली है, और नून आगे नूने निस्वा आ गया है, तो इसमें कोई भी चीज हजफ भी नहीं हुई और कोई भी चीज इसमें जायद नहीं है। वलै सहाजा का याफूना फी कौले का, ये वाला इल्ला याफूना का जो याफूना है ये आपके उस याफूना कौल की तरह नहीं है जो आप कहते हैं अर्रिजाल और याफूना। जब आप ये कहेंगे याफूना ले अन्न तिल कल वावा जमीरुन ले जमातिल मुजक्करीना कल वावे फी कौले का यकूमूना, कहते हैं ये वाली जो वाव जो मुजक्कर के सीगे में आती है
ये वाव ज़मीरे फ़ाइल है, यानी जमा मुज़क्कर की ज़मीर है, आपके उसी वाव की तरह जहाँ आप यकूम यकूमान यकूमूना कहते हैं, वावुल फ़ेल हुज़ैफ़ा या फूना अर्रिजाल या फूना जमा मुज़क्कर के सीगे के अंदर है, जो फ़ेल की असली वाव है लामे कलमा वो हज़फ कर दिया गया है, व नून अलामत रफ़, और ये जो नून है ये नूने रबी रफा की अलामत है, यानी रफी हालत में नून बाकी रहता है, वज़्नहू यफ़ऊना और इसका वजन यफ़ऊना है, या तो जायद आ गई हरफ मुजारे के तौर पर, और इसमें जो ऐन कलमा है यानी जो ऐन है ये फा कलमा है, और जो फा है वो फा इन लाम में से ऐन कलमा है, लाम कलमा की तरह लाम कलमा हजफ हो गया, लाम कलमा हजफ हो गया। आगे वाव जमा मुजक्कर की है, वाव जमीर है, और नून नूने राबी, वहाजा युकालो फी है इल्ला अन याफू, जब उस पर आप नासब लेके आएंगे अर्रिजाल और याफूना के अंदर, तो आप कहेंगे इल्ला याफू बेहस पे नून ही, आप नसबी हालत में नून को हजफ कर देंगे, कमा तकूलो इल्ला यकूमू, जैसा कि तू यकूमूना के अंदर जब नासिब दाखिल करेगा तो फिर तू अन यकूमू कहेगा नून के हजफ के साथ, व सयाती शर्ह जाले का कुल्ले, इस सारे की शरह फेले मुजारे के इराब में आएगी, के अफाले खमसा का इराब फेले मुजारे में कैसे होता है, बिनाउल मुजारे अल अल्फते। अच्छा सादी बात समझे, फेले मुजारे दो ही सूरतों में मबनी होता है, नंबर एक जब उसके साथ नून एनास आ जाए यानी जमा मुअन्नस का नून आ जाए, सादा लफ्जों में कहें तो जमा मुअन्नस का जो सीगा चाहे मुखातब का हो चाहे गायब का हो, तो वो हमेशा उस सूरत में फेले मुजारे हमेशा मबनी अल सुकून, बस इतनी सी बात। अच्छा और रहा मबनी अल फतह होना, तो वो उस वक्त होगा जब फेले मुजारे के साथ नूने ताकीद मुबाशिर आ जाए, लफ्जन भी और तकदीरन, लफ्जन और तकदीरन हम बाद में समझा, वामा बिना मबनी अल फतह को कब होगा फेले मुजारे, जब उस पर उसके साथ नूने ताकीद आ जाए, चाहे सकीला चाहे खफीफा, तो फेले मुजारे मबनी अल फतह हो जाएगा, अम्मा बिनाउहू अल फतह, और रहा फेले मुजारे का फतह पर मबनी होना, फतह पर मबनी होना, व मशरूत उन बेअन तुबाशिरहू नून तौकीद लफ्जन व तकदीरन, वो मशरूत है इस बात के साथ कि उसके साथ मिलकर आए नून तौकीद लफ्जन यानी इबारत में भी व तकदीरन और असल में भी यानी तकदीर में भी कोई लफ्ज दरमियान में हजफ ना हुआ हो, ना हो कल्ला लयुंबदन वह तरस तो बिजिक्रिल मुबाशरत मिन नहवे कौलिक قوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، دوسرا لتبلغن في اموالكم، اچھا فإما ترين من البشر احدا، سيدة مريم کو کہا، کہتے ہیں میں نے یہ جو مباشرت کی قید لگائی ہے کہ بھائی دیکھیں نونِ تاکید فعل مضارع کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے، مباشر ہونا چاہیے، लफजन यानी देखने के अंदर भी, तकदीरन और असल में भी दरमियान में कोई लफज हजफ ना हुआ हो, तो कहते हैं मैंने ये मुबाशरत की कैद लगा के इस बात से मैंने एतराज किया है, जैसे ये ला तत्तबिआनी है, अब इसमें नूने ताकीद फेले मुजारे के साथ मुबाशर नहीं है, दरमियान में तस्निया का अलिफ फासिल आ रहा है। अच्छा लातुबलाहुन्ना, तुबलाहुन्ना के अंदर भी ये जो वाव है और नुने ताकीद है इसके दरमियान में एक वाव हजफ हुआ हुआ है। अच्छा फइम्मा तरयिन्ना, अच्छा ये जो इम्मा तरयिन्ना है ये भी यहाँ पर नुने फेले मुजारे और नुने ताकीद के दरमियान में एक तो नून गिर गया है, नुने राबी भी गिरा है, और दूसरा ये है कि या अल्लाह आपका भला करे यहाँ पर याए मुखातबा भी फासिल आ रही है, फ़इन्न अलिफ फिल अव्वल वल वाव फिस सानी वल या फिस साले से फासिलतुन बैन अल फेल वन नून फहुवा मुग़रबुन ला मबनी वला तत्तबिआन्नी सबील अल्लज़ीन ला यअलमून, यहाँ भी मौरब है, लतुबलहुन्ना के अंदर भी मौरब है, और इसी तरह फ़इम्मा तरयिन्ना के अंदर भी ये मौरब है, मबनी नहीं है, वजह के नून ताकीद और फेल मुजारे में ला तत्तबिआन्नी के अंदर तस्निया का अलिफ फासला पैदा कर रहा है और लतुबलाहुन्ना के अंदर वाओ फासला पैदा कर रहे हैं, और फाइम्मा तरयिन्ना के अंदर या याए मुखातबा फासला पैदा कर रही है,
और नून के दरमियान। अच्छा अब इसको खोल लेते हैं ना जरा। आप देखें, यन शुरू, यन सुरानी। अब इन दोनों पर नूने ताकीद दाखिल करें, तो नूने ताकीद दाखिल करने के लिए कम अज कम हमें शुरू में लामे ताकीद लगाना पड़ेगा, क्योंकि लामे ताकीद और नूने ताकीद इकट्ठे आते हैं। तो हम कहते हैं लायन, यन शुरू था तो हम कहेंगे ला यन सुरन, नूने ताकीद खफीफा लगाएं तो ला यन सुरन। इसी तरह इसको ता लगा दें यानी मुखातब का सीगा बना दें तो हो जाएगा लतन सुरन, लतन सुरन। अच्छा यन सुरान के ऊपर आप नूने ताकीद लगाएं तो हो जाएगा, कैसे पढ़ेंगे यंसुरानी, जी, कैसे पढ़ेंगे? यंसुरानी, लयंसु, यंसुरानी। हाँ लयंसु रानी। अब आप देखें दोनों में फर्क देखें, ये फेले मुजारे का लामे कलमा है और ये फेले मुजारे का लामे कलमा, उसके बाद ये नूने ताकीद आया है और ये नूने ताकीद आया है। अब यहां पर फेले मुजारे और नूने ताकीद के दरमियान कोई फासिल नहीं है, फेले मुजारे और नूने ताकीद एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, कोई फासिल नहीं, कोई फासिल नहीं है, मिले हुए हैं, दरमियान में कोई अलिफ कोई वाओ कोई या कोई चीज फासिल नहीं है। तो यहां पर ये लयन सुरन्ना लतन सुरन्ना लान सुरन्ना लनन सुरन्ना, इसमें फेले मुजारे मबनी अलल फतह है और आप देख की सकते हैं कि उसके लामे कलमा पर फतह आ रहा है, जबकि ये जो तस्निया का सीगा है तस्निया में ये फेले मुजारे का लामे कलमा और ये नूने ताकीद, इसके दरमियान में ये अलिफ जमीर फासिल आ गई, लिहाजा नूने नूने ताकीद और फेले मुजारे एक दूसरे के साथ मुत्तासिल नहीं है, नूने ताकीद मुबाशिर नहीं है बल्कि दरमियान में फासिल आ रहे, तो लिहाजा यहां पर ये मबनी अल फतह नहीं होगा, ठीक है, यहां पर ये मबनी नहीं होगा मोरब होगा। इसी तरह आप देखें लयन सोरुन्ना, लयन सोरुन्ना जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। अच्छा यहां पर नूने ताकीद और फेले मुजारे के दरमियान कोई फासला है, बोल के बताएं, लयन सोरुन्ना जी शेषा, अलबत्ता इसमें जरूर मदद करेंगे वो सब मर्द। इसमें शेषा वाव हजब हुआ ना, सिर्फ वाव हजफ हुआ है, नून नून अरब नून भी हुआ हजब। हाँ ठीक है जी। अब वो समझाना ये चाह रहे हैं कि शायद इब्ने शाम कहते हैं कि फेले मुजारे के मबनी अल फतह होने के लिए शर्त है कि फेले मुजारे और नूने ताकीद के दरमियान कोई फासिल नहीं होना चाहिए, ऐसा फासिल तो लफ्जों में नजर आ जाए, जैसे लयन सोरान के अंदर हमें अलिफ नजर आ गया और उसी तरह हमें पाइम मा तारा यन्ना के अंदर या नजर आ गई, तो कहते हैं भाई एक सूरत ये भी है, ये तो हो गया कि लफ्जों में फासिल नजर आ रहा है, कहते हैं लेकिन लफ्जों में तो फासिल नजर ना आ रहा हो लेकिन उसमें वो फासिल हजफ हो चुका हो, तकदीर के अंदर असल में वो फासिल मौजूद था लेकिन अब वो फासिल हजफ हो गया, तो कहता है फिर भी फेले मुजारे मबनी अल फतह नहीं होगा अगर तकदीरन हजफ हुआ है। अब ये इस सीगे को खोल के लिखें, ये चूंकि शायब ने सामने आगे समझाना है तो मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ, ये लफज था यन सोरूना, यन सुरु फेल था, वाउ जमीर
फाइल थी और नून है, नूने राबी। जब इस पर नूने ताकीद दाखिल किया, शुरू में लाम लगाया, तो ये हो गया लयन सोरू नन्ना, यानी असल इबारत निकालेंगे ना हम, तो ये हो गया लयन सोरू नन्ना। लयन सोरू नन्ना कहते हैं। फिर अब देखें हुआ क्या, हम असल के एतबार से पढ़ते, इसको असल के एतबार से पढ़ते तो हम पढ़ते लयन सोरू नन्ना, लयन सोरू नन्ना, जबकि हम इसको पढ़े लयन सोरुन्ना। तो इसका मतलब है कि हमने वाओ को भी हजफ किया और एक नून को भी हजफ। वो हजफ कैसे किया है, शेख इब्ने शाम ने आगे बयान करना है, तो मैं उसका खुलासा कहते हैं, सबसे पहले तो हमने आसानी के लिए, तसहील के लिए ये जो नूने राबी था ना, इसको हजफ किया। कहते क्यों किया, लितवालिल अमसाल, कोई तीन नून, एक तो नूने राबी लयन सुरूना का नून यानी नूने राबी, उसके बाद नूने ताकीद सकीला में दो नून है, पहला नून जो है वो यानी दो नून है इसलिए ये मुशद्दद है, पहला साकिन है दूसरा मुतहरिक है, तो तीन नून आ गए, एक नून है राबी और सकीला के दो नून, एक नून साकिन और दूसरा मुतहरिक। तो जब एक ही तरह के यानी लफज पै दर पै तीन नून आ गए, एक नून है राबी और दो नून सख्त नून है ताकि सकीला के, तो फिर सहूलत के लिए एक नून को गिरा दिया, तो ये हो गया लयन सोरू ना। अब यहां तक इबारत पहुंच चुकी है ना, वो नून हजफ किया जा चुका है, वो जो नूने राबी था ना, तवालिल अमसाल यानी एक नून दो नून तीन नून इकट्ठे हो गए, एक ही जिनस के तीन अरब इकट्ठे हो गए, तो पर सहूलत के लिए एक नून को गिरा दिया, तो अब आप पहुंच चुके हैं लयन सो रू ना। अब इसको खोल के लिखते हैं तो ऐसे होगा, नूने ताकीद सकीला के दो नून होते हैं, पहला साकिन होता है और दूसरा मुतहर्रिक होता है, इसीलिए फिर पहले को दूसरे में इदगाम करके तशदीद के साथ पढ़ते हैं। अब आप देखें यह है लयन सोरून ना, लयन सोरून ना, तो दो साकिन इकट्ठे हुए, एक नूने ताकीद सकीला का पहला नून साकिन है और वाव भी साकिन है, दो साकिन जमा हो गए तो जो हरफे इल्लत था उसको गिरा दिया, तो ये हो गया लयन सोरुन्ना। अब वो नून के इदगाम को दोबारा वापस ले गए तो लयन सोरुन्ना हो गया। तो जब आप इसको खोल के लिखते हैं, ये लफज था यन सोरुना, आपने उस पर नूने ताकीद दाखिल किया तो ये हो गया लयन सोरुन्ना, तीन नून इकट्ठे आए तो एक नून को उसमें से हजब कर दिया जो नूने राबी था, तो फिर ये हो गया लयन सोरुन्ना। नूने ताकीद सकीला के दो नून, पहला नून साकिन है दूसरा मुतहरिक है, तो वाओ भी साकिन था, जो जमा मुजक्कर का वाओ था वो भी साकिन था, और नूने ताकीद सकीला का पहला नून भी साकिन था, जब दो साकिन जमा हुए तो साकिनों इल्तिकाए साकिनैन की वजह से वाओ को गिरा दिया, तो ये हो गया लयन सोरुन्ना। अब आप देखें, अब आपसे सवाल पूछा जाए कि ये जो हम खोल के खूबसूरत करके लिखते हैं लायन, अब आप जवाब दें कि ये फेले मुजारे और नूने ताकीद के दरमियान क्या कोई फासिल है या नहीं है, बोल के जवाब दें, जी फासिल है। क्या फासिल है? वाओ और नूर राबी था ना। हाँ, अब ये लफ्जों में तो फासिल नजर नहीं आ रहा, जब लफ्जों में हम तलफ्फुज कर रहे हैं तो ना वो वाव मौजूद है ना वो नून मौजूद है, लेकिन तकदीरन वो फासिल मौजूद है, तो इस सूरत में भी फेले मुजारे
मबनी नहीं होगा बल्कि फेले मुजारे मोरब ही होगा। जी ये बात समझ। मोरब। अच्छा कहते हैं कि भाई ये तो फासिल आपको ना इस सूरत में तो अलिफ जमीर आपको सामने नजर आ गई, यहां पर आपको वाव साफ लफ्जों में सामने नजर आ गया, यहां पर आपको याए मुखातबा नजर आ गई, तो कहते हैं ये तो फासिल हो गया जाहिर। अगर फासिल मुकद्दर हो तकदीरन हो व कजाले का लहू कान अल फासिल बईना हुमा मुकद्दरन, कहते हैं इसी तरह फेले मुजारे और नुने ताकीद के दरमियान जो फासिल है अगर वो मुकद्दर हो पोशीदा हो कान अल फेल वईदन मोरबन तब भी फेल मोरबी होगा। जाले का कौल का कौल ही ताला वला यसुद्दुन्ना का वला यसुद्दुन्ना का अन आयात अल्लाह, हरगिज वो तुझे ना रोक दें अल्लाह की आयात से। और दूसरी आयत है वला तस्मउन्ना मिसलो, इसी के मिसल है गैरा अलावा इस बात के अन्ना नून रफ़ई हुज़िफ़त तख़फ़ीफ़न लितवालिल अम्साल, कहते हैं ये जो यसुद्दुन्नाका इसके अंदर ये असल में था वला यसुद्दुन्नाका, नहीं ये तो वला यसुद्दुन्नाका था क्योंकि नूने राबी पहले गिर जाएगा ना, क्योंकि वो जो लाम है वो ला अगर लाए नहीं है तो वो नून उस वजह से गिर जाएगा। तो ला तस्मउन्ना भी इसी के मिसल है, ये असल में था ला तस्मउन्ना। तो कहते हैं इसमें जो रफा का नून है हुज़िफ़त उसको हजफ कर दी जिसको हम नून इराबी कह रहे थे, या लयनसुरुन्ना में जैसे नून को हजफ किया, तो कहते हैं ये जो रफा का नून है हुज़िफ़त उसको हजफ कर दिया तख़फ़ीफ़न, तख़फ़ीफ़ करते हुए लितवालिल अम्साल हम मिसलों के पै दर पै आने की वजह से एक दो तीन नून आ गए। सुम्मल तका साकिनानी, फिर दो साकिन जमा हो गए असलहू कबला दुखूलिल जाजिम, ये यसुद्दुन्ना का इसकी असल जाजिम के दाखिल होने से पहले थी यसुद्दुन्ना का, फलम्मा दाखल अल जाजिम व हुवा लन नाहिया, तो जब जाजिम दाखिल हुआ वो लाए नाहिया है उज़िफ़त इन नून, तो जाहिर है जज्मी हालत में नूने राबी गिर जाता है, तो फिर क्या रह गया जब जाजिम दाखिल हुआ ये यसुद्दू नन्ना का था, तो जब इस पर लाम दाखिल हुआ तो ये रह गया ला यसुद्दूना का वाव साकिन और नूने ताकी सकीला का पहला नून भी साकिन। तो इसी के बारे में वो कह रहे हैं इमाम इब्ने शाम सुम्मल तका साकिनानी, फिर दो साकिन जमा हो गए इकट्ठे हो गए वो कौन है अल वाव यानी जमा मुजक्कर का वाव व नून, नून कौन सा नूने ताकीद सकीला का पहला नून, फा हुज़े फातिल वाव ले तिलाल वाव को उसके हरफ इल्लत होने की वजह से हज़्फ़ कर दिया गया, व वजूद दलील यदुल अलैहा व हुवा ज़म्मा, तो और ले तिलाल एक तो उसके हरफ इल्लत होने की वजह से और दूसरा उसके वजूद पर एक दलील भी मौजूद है, अगर उसको हज़्फ़ भी कर दिया जाएगा ना तो दलील मौजूद है, वो दलील क्या है जम्मा, जम्मा इस बात पर दलालत करता है कि ये यहाँ पर वाव हज़्फ़ हुआ है क्योंकि जम्मा आएगा ही उस वक्त जब उसके बाद वाव आ रहा हो। ये यन सोरूना से पहले जम्मा आता है, जम्मा क्यों आता है वाव की वजह से आता है, अगर वाव को हज़्फ़ भी कर देंगे तो जम्मा वाव के हज़्फ़ पर दलालत करता रहेगा, वह वजूद है दलील और एक दलील के पाए जाने की वजह से यदुल्लु अलैहा जो उस पर दलालत करती है यानी उस हज़्फ़ होने वाले वाव पर, वह वा जम्मा तो वक़द्दर अल-फ़ेलु मोरबन और फेल को मोरब ही गर्दाना गया है, व इन कानत नून मुबाशिरतन ले आखिर ही लफ्जन, अगरचे नून लफ्जी तौर पर उसके आखिर के साथ मुबाशिर आ रहा है वला यसुद्दुन्नाका, तो यहाँ पर दाल जो कि फेले मुजारे का लाम कलम है और नूने ताकीद के दरमियान लफ्जों में तो कोई फासला नजर नहीं आ रहा, ले कौन हा मुनफसिलतन अन हो तकदीरन, अगरचे नूने ताकीद फेले मुजारे के आखिर को लफ्जी तौर पर तो मुबाशिर है लेकिन वो उससे मुनफसिल है जुदा है
तकदीरन तकदीरी तौर पर क्या कि दरमियान में वाव भी हजफ हुआ है और नून भी हजफ हुआ है। वक़द अशर तो इला ज़ालिका कुल्ले ही मुमस्सिलन, मैंने मिसाल देते हुए इसकी तरफ इशारा कर दिया है। ये बात समझ आई है? जी शेख इमरान, वला यसुद्दुन्ना का, ये असल में था यसुद्दू, ये था यसुद्दूना, जमा मुजक्कर गायब का यसुद्दू यसुद्दाने यसुद्दूना, तो ये वाओ जमा मुजक्कर की थी और नून नूने इराबी था। अच्छा जी, इस पर मिसाल के तौर पर नूने ताकीद सकीला लगाया तो ये हो गया यसुद्दूनन्ना। ठीक है, जब इस पर ला नाहिया दाखिल हुई तो जाहिर है जब ला नाहिया दाखिल होगी तो नूने इराबी गिर जाएगा, जब लाए नाहिया दाखिल हुआ फेल मुजारे की जज्मी हालत हुई तो फेल मुजारे अफाले खमसा जज्मी हालत में नून गिर जाता है, तो लिहाजा नून गिर गया तो ये हो गया ला यसुद्दून ला यसुद्दून। तो ये नूने ताकीद सकीला में दो नून होते हैं, पहला नून साकिन होता है दूसरा मुतहरिक होता है, तो ये वाओ भी साकिन और नूने ताकीद सकीला का पहला नून भी साकिन, इसी के बारे में इब्ने शाम कहते हैं फल तका साकिनाई ने साकिना ने, दो साकिन जमा हो गए, वो वाओ और नून है, वाओ से मुराद जमा मुजक्कर का वाओ और नून से मुराद नूने ताकीद सकीला का पहला नून जो के साकिन होता है। तो फिर क्या किया, फाहौज़े फातिल वाव वो वाव को हजफ कर दिया गया, ले तिला लिहा उसके हरफ इल्लत होने की वजह से, व वजूद दलील इन यदुल्लु अलैह और उस पर एक दलील के पाए जाने की वजह से जो उस पर दलालत करती है, वही जम्मा वो जम्मा है, यानी ये जो जम्मा है ना ये दलालत करता है कि यहाँ से वाव हजफ हुआ है, जम्मा पढ़ा जाना इस बात की दलील है कि यहाँ से वाव हजफ हुआ है, क्योंकि फेले मुजारे में यहाँ पर लामे कलमा पर जम्मा उसी वक्त आ सकता है जब उसके पास वाव आता हो। तो फिर ये कर दिया गया, ये हो गया ला यसुद्दुन्ना का। तो अब असल के एतबार से इससे नून भी गिरा हुआ है और वाव भी गिरा हुआ है, लिहाजा अगरचे देखने में ये दाल और नून यानी फेले मुजारे का लामे कलमा दाल और नूने ताकीद सकीला लफ्जन तो आपस में मिले हुए नजर आते हैं, लेकिन असल के एतबार से ये मिले हुए नहीं है, दरमियान में एक फासल मौजूद है तकदीर के अंदर, वो वाव और नून है, लिहाजा इस सूरत में फेले मुजारे को मोरब समझा जाएगा, मबनी नहीं समझा जाएगा, और इसी की मिसल ला तस्माउन्ना है, ये ला तस्माउन्ना असल में तस्मा तस्माउना था, तस्माउना ठीक है जी, अच्छा तस्माउना था, तो इस पर लामे ताकीद दाखिल किया और आखिर में नूने ताकीद सकीला आया, असल पे रखते हैं तो ये हो गया ला तस्माउनन्ना। तवाले लमसाल यानी एक जैसे, अच्छा ला यसुद्दुन्नाका के अंदर नून के गिरने की वजह तवाले लमसाल नहीं है, लाए नाहिया ने नूने राबी को गिराया जज्मी हालत में, लेकिन जब ये रफी हालत में होगा यानी नासिब जाजम नहीं होगा तो फिर नून को गिराने की वजह और होगी, वो क्या वजह है, तख़फीफ के लिए गिराया कि एक नून दो नून तीन नून, एक जैसे तीन हरफ कट्ठे आ गए तो तख़फीफ करते हुए ये अच्छा भी नहीं लगता, तो एक नून को गिरा दिया तवाले लमसाल की वजह से, मसला फिर हो गया वाओ भी साकिन है और नूने ताकीद सकीला का पहला नून भी साकिन है, दो साकिन जमा हुए तो हरफे इल्लत को गिरा दिया जो कि पहला था, तो ये हो गया लाता समाउन्ना। अब देखने के अंदर लफ्जों में नूने ताकीद सकीला और फेले मुजारे मुत्तसिल नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत के एतबार से इनके दरमियान से जमा मुजक्कर का वाव भी हजफ हुआ है इल्तिकाए साकिनैन की वजह से और नूने इराबी हजफ हुआ है तवाले लमसाल यानी हम मिसल के पै दर पै कट्ठे तीन नून आ जाने की वजह से, लिहाजा ये आपको लफजन तो मुत्तासिल नजर आएगा लेकिन हकीकत में नूने ताकीद मुत्तासिल नहीं है, बल्कि इसके और फेले मुजारे के दरमियान दो जिसको कहते हैं ना फासिल आते हैं, एक वाव और एक नून, लिहाजा इस सूरत में फेले मुजारे मोरब होगा मबनी नहीं होगा, ये बात उन्होंने समझाई है। बाकी रह गया फेले मुजारे का इराब, तो उन्होंने कहा जी भाई फेले मुजारे का इराब वामा इराबहू फीमा अदा हाजैन अलमौज़ैईन, इन दो सूरतों के अलावा, ये जो दो सूरतें गुजरी हैं इन दो सूरतों के अलावा फेले मुजारे मोरब होगा सारे का सारा, दो सूरतें कौन सी,
एक जब फेले मुजारे के साथ नूने निस्मा आए, और दूसरा जब फेले मुजारे के साथ नूने ताकीद सकीला या खफीफा मुत्तासिल बन गए। मुत्तासिल हूं लफ्जन भी देखने में भी और तकदीरन भी, यानी तकदीरन भी कोई लफ्ज दरमियान में जफना हुआ हो तो उस सूरत में फेले मुजारे मबनी अल्फत होगा, और नूने जमा मोहनस के वक्त मबनी अला सुकून होगा। बाकी इन दो सूरतों के अलावा फेले मुजारे सारे का सारा मोरब होगा। रफी हालत आएगी जब उस पर नासिम जाजिम नहीं होंगे तो रफी हालत आएगी, जब जाजिम आएगा तो जज्मी हालत होगी, जब नासिब आएगा नह वो यकूम जईदुन लन यकूम जईदुन और लम यकूम जईदुन, चारों की मिसालें दे दी हैं उन्होंने। अच्छा आगे वो इराब फेले मुजारे का जो इराब है वो बाद में बयान करेंगे, खोल के बयान करेंगे। तो आगे वो हरफ की थोड़ी सी बात करके तो उसके बाद फिर वो हमें दोबारा इसम की तरफ ले जाएंगे। ठीक है सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक।